अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित के अलावा सनातन ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस पी त्रिपाठी, प्रोफेसर जगत नारायण पंडित, प्रदीप पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उपस्थित उपकार कर रहे हैं, अपनी संतानों के ऊपर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि कोई समाज एक निश्चित अवधि तक रचना के कार्य में, निर्माण के कार्य में सहयोग करता रहता है, बाद में वो अपनी संतति को परिपुष्ट करता है। और ब्राह्मण समाज जो है वह एक अलग समाज नहीं है, वह सभी भारतीय समाज की धुरी के रूप में है, जिसने संपूर्ण समाज को दिशा दी है। उसमें जातिवाद का भाव तो कभी व्याप्त हो ही नहीं सकता है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है। पूरे समाज के लिए कार्य करना, पूरे समाज को संचेतना प्रदान करना, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त करना और समय समय पर उसको ऊर्जा प्रदान करना, सत साहित्य की रचना से समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को बांधे रखना और हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये ब्राह्मण समाज का दायित्व रहा है। इस भक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और तमाम ऐसी संस्थाओं के अंदर स्थापना की दिए छूट के अलावा जो आज चल रही है और अग्रणी संस्था है। जैसे उन्होंने 1939 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की, जो आज भी चलती है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। उन्होंने सनातन धर्म सभा की भी स्थापना की बनारस में, क्योंकि उनका ये मामला था कि जो हमारा सनातन धर्म है वो सबसे पुराना था। जब लोग विश्व में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब यहाँ पर वेद शास्त्र लिखे गए और यहाँ पर विचारे, तो इसके पहले कोई धर्म था ही नहीं, इस्लाम था, न क्रिश्चियनिटी थी, न बौद्ध थे, न जैन थे, कोई रिलीजन नहीं था सनातन धर्म के पहले। सबसे पुराना धर्म है शाश्वत धर्म है,